आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस लेक्चर की, जिसमें हमने वाटर हार्डनेस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। टाइप्स में व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने टेम्पररी हार्डनेस के कॉज और उसके रिमूवल के मेथड्स को स्टडी किया। आज हम देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस किस तरह से होती है वाटर के अंदर और हम उसको किन मेथड से रिमूव करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको जल्दी से रिकैप करवा दूं कि हार्डनेस होती क्या है। कि ऐसा वाटर जिसके अंदर बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स या क्लोराइड्स हो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो इस तरह के वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। अब व्यूअर्स, ऐसा हार्ड वाटर जिसमें सिर्फ बाइकार्बोनेट्स हो कैल्शियम या मैग्नीशियम के, तो उसको हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसा वाटर जिसके अंदर सल्फेट्स हो या फिर क्लोराइड्स हो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इस तरह के वाटर को हम कहते हैं परमानेंटली हार्ड वाटर। तो व्यूअर्स, परमानेंटली हार्ड वाटर को आज हम स्टडी करेंगे और इसकी रिमूवल को। तो सबसे पहले हम इसका कॉज देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोड्यूस होती है। व्यूअर्स, फर्ज करें ये नीचे को वाटर है, हमें पता है वाटर जब एवेपोरेट होता है तो ये वेपर्स बना के चले जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो व्यूअर्स, ये वाटर जब रेन की फॉर्म में वापस जमीन पे आएगा, तो जमीन पे आके फर्ज करें ये इस तरह की स्पॉट पे गिरा जहां पे कैल्शियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स हैं या फिर मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स हैं, तो होगा क्या कि ये इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह से कैल्शियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स या मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और वो वाटर बन जाएगा परमानेंटली हार्ड। व्यूअर्स, अब हम किस तरह से ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करवा सकते हैं, उसके मेथड्स क्या है, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो फिर सपोज करें ये हमारे पास हार्ड वाटर है जिसके अंदर कैल्शियम के सल्फेट है, अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं वॉशिंग सोडा के साथ तो इन दोनों स्पीशीज के आयन एक्सचेंज होंगे और हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में सोडियम सल्फेट। व्यूअर्स, कैल्शियम के जो कार्बोनेट्स या मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो इनसोल्युबल होते हैं, तो इनसोल्युबल होने की वजह से व्हाइट पाउडर की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। ये सोल्युबल है लेकिन ये वाला साल्ट जो है ये वाटर को हार्ड नहीं बनाता, तो हम जस्ट वाटर को फिल्टर कर लेंगे और इस तरह का जो वाटर है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स, अगर हमारे पास मैग्नीशियम का क्लोराइड हो और अगर हम उसको रिएक्ट करवाएं वॉशिंग सोडा से, तो इस केस में भी आयन एक्सचेंज होंगे, बनेगा 2NaCl, साथ में बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये फिर इनसोल्युबल होने की वजह से व्हाइट पाउडर की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा और हम वाटर को फिल्टर कर लेंगे जिससे वाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके बाद जो दूसरा मेथड है हमारे पास, दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड। व्यूअर्स, इस प्रोसेस में हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं नेचुरल रेजिन्स लाइक जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर छोटी छोटी कैविटीज होती हैं और उन कैविटीज के अंदर रिएक्शन होता है जहां पे नाम सजेस्ट कर रहे हैं आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। इसको हम किस तरह से देख सकते हैं व्यूअर्स, फर्स्ट करें हम यूज करते हैं सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट या अगर इसका हम केमिकल फार्मूला देखना चाहें तो NaAlSiO3 ट्वाइस, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट भी इसकी कंपोजिशन है। व्यूअर्स, जियोलाइट इनकी स्टोन लाइक अपीयरेंस होती है, इनके अंदर छोटी छोटी कैविटीज होती हैं। अगर मैं यहां पे ड्रा करूं आपके सामने, फर्ज करें ये एक कैविटी है जियोलाइट की जिसके अंदर सोडियम के आयंस लगे हुए हैं। जब हम हार्ड वाटर को इसमें से पास करवाते हैं, सपोज करें हमारे पास जो हार्ड वाटर है उसके अंदर कैल्शियम के सल्फेट्स हैं, मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स हैं, जब इसे पास करवाएंगे तो होगा क्या, व्यूअर्स, ज्यादा एक्टिव मेटल है सोडियम और उससे कम रिएक्टिव है कैल्शियम, तो जब ये इसमें से पास होंगे तो सोडियम जो है वो सल्फेट से अटैच होके दूसरी तरफ बना देगी Na2SO4 और सोडियम की जगह यहां से अटैच हो जाएगा कैल्शियम।
व्यूअर्स, हमें पता है कि हार्डनेस सिर्फ होती है कैल्शियम और या मैग्नीशियम आयंस की वजह से, तो इस मेथड में क्या होगा कि आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, कैल्शियम का आयन यहाँ बाइंड हो गया जबकि दूसरी तरफ सोडियम अटैच हो गया सल्फेट से और सोडियम सल्फेट बना दिया। ये साल जो है इसमें चूंकि ना कैल्शियम है ना मैग्नीशियम, तो इस तरह का जो वाटर अब होगा हमारे पास, जो वाटर यहाँ से फिल्टर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो वो वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, सोफ वाटर में। यहाँ पे वो हार्ड था और जब वो इन कैविटीज जियोलाइट्स की इन कैविटीज में से गुजरा तो गुजरने के बाद वो सोफ में कन्वर्ट हो गया। व्यूअर्स, इन रेजिन्स को यूज करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब सारे के सारे आयंस चेंज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये फिर अपना पर्पस जो है वो खत्म कर देगा, यूज नहीं होगा, लेकिन हम इसे फेंकते नहीं, हम इसको दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। और वो रीजनरेट कैसे कर सकते हैं, हम इनको ब्राइन सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। फर्ज करें जब ये कैल्शियम आयन सारे शिफ्ट हो गए तो ये सोडियम जियोलाइट की जगह बन गया हुआ है कैल्शियम जियोलाइट, इसको हमने दोबारा से रीजनरेट करना है तो हम इसे सोडियम क्लोराइड में डिप कर देंगे, जिसकी वजह से ये दोबारा से बन जाएगा सोडियम जियोलाइट और दोबारा से हम फिर इसको यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन। व्यूअर्स, हार्डनेस ऑफ वाटर की प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम ऑलरेडी अपने चैनल पे लगा चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं कि हम किस तरह से हार्डनेस क्रिएट कर सकते हैं और फिर इसको रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए लेक्चर्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।